दोस्तों क्या आप भी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाते कैसे हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिसमें वो लोग बताते हैं कि आप ये सेटिंग कर लीजिए, इससे जो है आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। या फिर दोस्तों बहुत से लोग ऐसा भी बताते हैं कि आप इस वेबसाइट पर जाइए और वहां से पैसे दे करके आप फॉलोअर्स को खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये सब चीज़ें करते हो वहां पर आपके फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन वो जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, उससे दोस्तों ना ही आपके वीडियो पर लाइक आएंगे ना ही आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, वो जो आपने फॉलोअर्स वहां से खरीदे हैं वो फॉलोअर्स जो है कुछ देर बाद डाउन भी हो जाते हैं और वहां से जितने फॉलोअर्स आपके आए हुए होते हैं वो वहां से हट जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है किसी वेबसाइट किसी एप्लीकेशन या फिर यूट्यूब पर कोई और वीडियो देख करके आप अगर वैसा कर रहे हैं या फिर फॉलोअर्स को खरीद रहे हैं तो आप अगर ऐसा चीज़ें कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें करके आप इंस्टाग्राम से ना ही पैसे कमा सकते हैं और ना ही इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल रियल और जेन्युइन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस आईडी पर बिल्कुल रियल और जेन्युइन यहाँ पर फॉलोअर्स हैं और कितने हैं 231,000। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर वीडियो पर व्यूज दिखाऊंगा तब आपको यकीन होगा कि हाँ भाई अगर यहाँ पर रियल फॉलोअर्स ना होते तो मेरे वीडियो पर व्यूज ना आते। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर हर वीडियो पर 10K से ऊपर है, ठीक है। किसी किसी वीडियो में अभी जो है मैंने जो हाल ही में अपलोड किया है उस पर भी व्यूज कम है लेकिन 2-3 दिन बाद देखना उस पर व्यूज आ जाएंगे। यहाँ पर देखो 48-44, ठीक है, 15,000-44,000। उसके बाद दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको और नीचे दिखाऊंगा जो कि मिलियन से ऊपर हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ तब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तब आप लोगों को यकीन होगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल रियल और जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देखें 3.1 मिलियन, ठीक है, 36,000, 16,000, 28,000, 21,000, 12,000, 46,000, 62,000, 64,000, ठीक है। यहाँ पर और मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए 7,48,000, 7,57,000, ठीक है। मैं और नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए 2,56,000, यहाँ पर देखिए 11 मिलियन, यहाँ पर देखिए 5,75,000। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 11.1 मिलियन, मतलब कि इस वीडियो पर 11.1 मिलियन व्यूज आ गए हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर ये रियल फॉलोअर्स ना होते तो मेरे इस आईडी पर मेरे जो ये वीडियो जो यहाँ पर पड़े हुए हैं इन पर जो व्यूज आ रहे हैं वो व्यूज ना आते, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरे फॉलोअर्स वो एक्टिव हैं इसीलिए मेरे हर वीडियो पर व्यूज आते हैं, मेरे वीडियो पर लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं और मेरे वीडियो को लोग शेयर करते हैं। अगर दोस्तों आपको भी इंस्टाग्राम पर बिल्कुल रियल और जेन्युइन तरीके से फॉलोअर्स को बढ़ाना है, अपनी वीडियो को वायरल करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ उस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको वीडियो लगती है कि हाँ जो है मुझे इस वीडियो से कुछ यहाँ पर हेल्प मिला है या फिर आपके आईडी पर फॉलोअर्स बढ़ते हैं आपकी वीडियो वायरल होती है, तो बस आप लोगों को बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग इतना कर देंगे तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैंने जो है आप लोगों को जो कुछ भी बताया है उस पर आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों को मैं और आगे बढ़ाने के लिए और आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए कुछ ऐसे धमाकेदार वीडियो ले आऊँगा जिसको देख करके आप अपने आईडी पर इसी तरीके से जिस तरीके से मेरे इस आईडी पर 2,31,000 फॉलोअर्स हुए हैं मैं आप लोगों को जो है 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के जो है 2 लाख फॉलोअर्स यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मेरे वीडियो को डेली वॉच करना है और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज से ही मेरे इस चैनल पर आपको जो है इंस्टाग्राम से रिलेटेड फॉलोअर्स वीडियो वायरल करना यूट्यूब शॉर्ट आपको हर टाइप की वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपको जिस भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पर हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगी, आप यहाँ पर आकर के सारा कुछ देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और वीडियो को वायरल करने के लिए एक इंस्टाग्राम की आईडी बनाना है। अब आईडी कैसे बनाना है अगर आपको नहीं पता है तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को पहले वॉच कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना या फिर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे आईडी भी बना लेंगे तब दोस्तों आप लोगों को जो है सारा काम करना है। अब वो काम कैसे करना है उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक आईडी दिखा देता हूँ कि इस बंदे ने जो अभी नई आईडी बनाई है जिस तरीके से मैंने उसको बताया है वहाँ पर जो है उस बंदे ने सेम उसी तरीके से काम किया है। अभी उस बंदे को जो है 1 महीने भी नहीं हुए और उसके आईडी पर जो है बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं। मैं आपको जो है उस बंदे की आईडी यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं उस बंदे की आईडी सर्च करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भक्ति मार्गदर्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं देखता हूँ ये बंदा जो है
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो बंदा है अभी हाल ही में इसने काम किया है, ठीक है। और यहाँ पर इस बंदे ने सिर्फ 187 पोस्ट अपलोड किए हैं। इसके पहले दोस्तों इस बंदे ने जो है मात्र 30 पोस्ट अपलोड किए थे और इस बंदे के आईडी पर जो है 50K मतलब कि 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जो है मात्र 30 पोस्ट से ही इसके आ गए। और इस टाइम पर जो है प्रेजेंट में इसने 187 पोस्ट यहाँ पर अपने इस आईडी पर अपलोड किए हैं और 100,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स इसके इस आईडी पर आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पर इस आईडी की अबाउट भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अबाउट दिस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस अकाउंट को कब बनाया गया था, सितंबर में, और ये क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मात्र सिर्फ इसको जो है अभी 1 मंथ हुए हैं और ये सितंबर में ही नहीं बनाया गया दोस्तों, ये जो है 15 सितंबर के बाद, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो है 15 सितंबर के बाद ही इस आईडी को बनाया गया था। 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर एक महीना हुआ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अभी 15 ये मतलब कि टोटली जो है 45 दिन हुए हैं और इस बंदे के कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, 130,000। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि इस बंदे के जब 30 पोस्ट थे तो इस बंदे को मात्र जो है 15 दिन ही हुए थे और इस बंदे के 50K मतलब कि 50,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस बंदे ने क्या ट्रिक्स लगाया है जिसकी वजह से 130,000 फॉलोअर्स आ गए हैं। आप दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान समझना है करना क्या है। जब दोस्तों आप लोग जो है आईडी बना लेंगे तो आपको वहाँ पर जो है एक टॉपिक चूज करना है। आप लोगों को करना क्या है कि आपको जो भी आईडी बनानी है, मान लीजिए आपने आईडी बना लिया, अब वहाँ पर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर बायो में कुछ अच्छा खासा लिख देना जैसे इस बंदे ने लिख रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपनी वीडियो के रिलेटेड, मान लीजिए आप अपनी आईडी पर क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अपने बायो में लिख देना है कि क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर, मान लीजिए आपका क्रिकेट हो गया, मेम्स हो गया, मूवीज हो गया, या फिर एंटरटेनमेंट हो गया, कॉमेडी हो गया, या फिर मान लीजिए कोई एडिटिंग के ट्यूटोरियल हो गया, आप जो कुछ भी, आप जिस भी टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, उस टॉपिक पर यहाँ पर जो है आपको एक नीव चूज कर लेनी है। आपको उसी टॉपिक पर डेली काम करना और उसी टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है आपको अपने सेकंड आईडी पर ले जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को अपलोड कैसे करना है, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा कि हाँ करना क्या है। तो मान लीजिए दोस्तों आपने जो है टॉपिक चूज कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी जो है पहले आईडी बना रखी है जो कि नाम है बिग बॉस OTT17। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम पर जो है बिग बॉस चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर जो है बिग बॉस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा दोस्तों इस टाइम पर वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो अगर आप वर्ल्ड कप से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तब भी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक को चूज कर लेना है। यहाँ पर मैं दो टॉपिक आपको बताऊँगा, पहला बिग बॉस का और दूसरा वर्ल्ड कप का। तो नंबर एक पर आपको वर्ल्ड कप ही रखना है क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड कप का जो मैच है वो अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आपकी वीडियो जो है वायरल चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी जो है वर्ल्ड कप का फाइनल भी नहीं हुआ है, अगर आप किसी की भी वीडियो अगर डाउनलोड करते हैं और अपलोड भी कर देंगे तब भी आपकी वीडियो मिलियंस में चली जाएगी, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पर करना क्या है वो चीज़ें ध्यान से समझना है। मान लीजिए आपने जो है क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक चुन लिया, ठीक है। अब आपको क्रिकेट की वीडियो अपलोड करना है तो आपको इंस्टाग्राम पर आना है और यहाँ पर आपको रील्स वाले आइकन पर देखना है कि क्रिकेट से रिलेटेड जो है यहाँ पर कौन सी वीडियो आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिग बॉस से रिलेटेड, ठीक है। अगर इसको डालना चाहो तो आप यहाँ से डाउनलोड करके डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है यहाँ पर क्रिकेट वाली वीडियो आपको दिखाता हूँ। अगर कोई क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो मिल जाती है तो ठीक है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर तो कोई वीडियो मिल नहीं रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सर्च पर आया, जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया यहाँ पर जो है वर्ल्ड कप से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आ गई है। तो आपको जो है इनमें से किसी भी वीडियो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आज मैच है, ठीक है, आज मैच है, तो आपको जो है आज ही इंस्टाग्राम को शाम को जब वर्ल्ड कप का जो मैच होता है वो मैच जैसे ही फिनिश हो, मान लीजिए कि दो टीम खेलती हैं, वहाँ पर एक टीम जैसे जीती, आपको इंस्टाग्राम पर आना है, इंस्टाग्राम पर रील्स पर क्लिक करके आपको वहाँ पर देखना है। क्योंकि बंदे जो है मैच ख़त्म होते ही जब एक पारी ख़त्म हो जाती है तो उसके क्लिप्स को डाउनलोड करके कट करके एडिट करके वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखना है जो भी वीडियो आपको वहाँ पर लगे कि हाँ जो ये वीडियो है वो आज ही के मैच का है, तो आपको सिंपल सा जो है उस वीडियो को डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं पता कि डाउनलोड कैसे करते हैं तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोग जब उस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सिंपल से जो है क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे साइड में ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको इस पर आना है, ठीक है। इस पर आने के बाद यहाँ पर करना है अपनी वीडियो को अपलोड। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि आप लोगों ने जो है वीडियो को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब अपलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं यहाँ पर दिखाने के लिए
इस वाली वीडियो को यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे इस वीडियो को अपलोड कर दिया, तो आप लोग भी क्रिकेट वाली वीडियो को सेम इसी तरीके से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, यहीं पर दोस्तों आपको ट्रिक्स लगानी है। अब ट्रिक्स क्या लगानी, वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान समझना है, ठीक है। यहाँ पर पहला मिलता है म्यूजिक ऑप्शन। एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली यहाँ पर समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मिलता है म्यूजिक का ऑप्शन, दूसरा है टेक्स्ट का, और तीसरा है स्टिकर का, और चौथा है फिल्टर, और पांचवा है डाउनलोड का, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी वीडियो में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग म्यूजिक चूज करना है। मान लीजिए दोस्तों, आप जो है उस क्रिकेट वीडियो में कोई बंदा आउट हो रहा है तो वहाँ पर आपको सैड सॉन्ग लगाना है। अगर कोई सिक्स मार रहा है तो वहाँ पर आपको दूसरा म्यूजिक लगाना है। अगर कोई सेंचुरी मार रहा है तो वहाँ पर आपको दूसरा सॉन्ग लगाना है। तो आपको जो है देख लेना है कि आपकी वीडियो में क्या सीन चल रहा है, उसी टॉपिक से आपको यहाँ पर सॉन्ग लगाने हैं। सॉन्ग लगाने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर सर्च करना है, और यहाँ से जिस भी म्यूजिक को लगाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सैड सॉन्ग सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे म्यूजिक आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो आपको यहाँ पर साइड में एरो दिख रहा है, आपको इस वाली सॉन्ग को ही यहाँ पर चूज करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो एरो दिख रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड में सॉन्ग है, और अगर आप इस सॉन्ग पर वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो 110% वायरल चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं घबराना कि भाई मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, मेरी वीडियो वायरल नहीं गई है। आपको जो है 5 से 6 दिन रेगुलर काम करना है, और रेगुलर जो है 2 वीडियो अपलोड करनी है। तो 5 दिन में 5 दूनी 10 वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। जब आप 10 वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपके उनमें से 2 वीडियो वायरल चली जाएगी। जब आप लोग जो है यहाँ से इतना चीज़ कर लेना, तो आपको सिंपल सा जो है, अगर फिल्टर लगाना चाहें यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ से जो भी फिल्टर आप लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। सर्च करना चाहें तो फिल्टर को सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिल्टर लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप स्किप कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है वीडियो से रिलेटेड एक अच्छा खासा कैप्शन लिखना है। कैप्शन में क्या लिखना है, आपको जो है अपने वीडियो को देख लेना है, उस वीडियो में क्या ऐसे मसालेदार पॉइंट है, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जो है ऑडियंस जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। उसी कैप्शन को यहाँ पर नोट कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर कैप्शन लिख देना है। मैं दोस्तों कैप्शन यहाँ पर इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी कैप्शन नहीं लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडिट कवर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का कवर कोई अच्छा खासा सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपका यहाँ कवर अच्छा होगा तो आपकी वीडियो जब भी सजेशन में जाएगी तो लोग जैसे उसकी थंबनेल को देखेंगे तो उनके माइंड में एक ऐसा सवाल जाना चाहिए ताकि वो लोग जो है उस वीडियो पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी वीडियो का कवर कोई अच्छा खासा ही रखना है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई अच्छा खासा कवर नहीं मिल रहा है, तब आपको जो है एक अच्छा खासा कवर, जैसे कि आप थंबनेल बनाते हैं उसी तरीके से आपको एक अच्छा खासा कवर बना लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप कैप्शन लिख लेना। उसके बाद दोस्तों बारी आती है हैशटैग का, तो यहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 हैशटैग लगा देने हैं। तो पहला हैशटैग आपको रख देना है वायरल का, और दूसरा रखना यहाँ पर एक्सप्लोर पेज का, ठीक है। यहाँ से आप लोग सारा कुछ देख लीजिए, इसी चीज़ को आपको यहाँ पर अपने उसमें कैप्शन में लिख लेना, ठीक है। और तीसरा रखना है ट्रेंडिंग का, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड कर देना, ट्रेंडिंग कर देना, और यहाँ पर कर देना इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर कर देना फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर इतना कर, एक मिनट दोस्तों, फॉर यू, ठीक है, फॉर यू, ठीक है, इतना कर देना। उसके बाद यहाँ पर कर देना लाइक फॉर लाइक, ठीक है, यहाँ पर इतना कर देना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक अपनी आईडी का जो यूजर नेम होता है उसको यहाँ पर हैशटैग में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करना, और यहाँ पर @ लगा करके अपनी आईडी को मेंशन कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से जो है नीचे आना है, और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आप नीचे देखना, यहाँ पर जो लिखा हुआ अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको यहाँ से इनेबल कर देना, नहीं दोस्तों आपकी जो वीडियो होगी वो लो क्वालिटी में अपलोड होगी और ऑडियंस जो है आपकी वीडियो नहीं देखेगी, स्क्रॉल कर देगी। तो आपको इसको हमेशा HD क्वालिटी में ही अपलोड करना, ठीक है। इतना करने के बाद आपको शेयर बटन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो वीडियो होगी वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अपलोड होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बैक हो जाता हूँ, बैक होकर के बताता हूँ करना क्या है। अपलोड होने के बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपकी जो वीडियो होगी वो शो हो जाएगी। तो दोस्तों जब आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाए, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इसे साइड बटन पर क्लिक करना है, इसे क्लियर करके इसको बंद कर देना है, और अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा को ऑफ कर देना है। दोस्तों जब आप लोग जो है इतना कर देना, उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा को यहाँ से कर देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको कम से कम दोस्तों 10 मिनट इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, उसके बाद ही आपको ओपन करके आप जो कोई भी चलाना चाहे चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ना ही ओपन करना है और ना ही डाटा को ऑन करना है, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों आप लोग जो है कम से कम रेगुलर इसी तरीके से 1 हफ्ते काम करेंगे, 1 हफ्ते में अगर 2
वीडियो डेली अपलोड करते हैं तो 7 × 2 = 14 होते हैं। अगर आपकी 14 वीडियो आपने डेली अपलोड कर दिया, ठीक है, तो उसमें से कम 3 से 4 वीडियो आपकी वायरल चली ही जाएगी। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दिया भाई इस पे व्यूज नहीं आए, सेकंड वीडियो अपलोड कर दिया व्यूज नहीं आए, थर्ड वीडियो अपलोड कर दिया व्यूज नहीं आए। व्यूज आएंगे, लेकिन आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी बरतना होगा, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करना होगा, तभी आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे और आपकी वीडियो वायरल जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही आईडी सर्च करके दिखाया था आप लोगों को, फिर मैं यहाँ पर आपको एक बार मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ उस बंदे की आईडी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भक्ति मार्गदर्शन, यहाँ पर मैं क्लिक किया। यहाँ पर आप लोग देखिए इस बंदे के जो 1,30,000 फॉलोअर्स आज हैं, सिर्फ इस बंदे ने 45 दिनों के अंदर अंदर ही कंप्लीट किया हुआ है। 15 सितंबर के बाद की ये आईडी है और अभी जो है 1 नवंबर है और इस दिन इतने दिन में ही इस बंदे ने 1,30,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मात्र 187 पोस्ट अपलोड किए हैं। जब इस बंदे ने 30 पोस्ट अपलोड किए थे तभी इसके 50,000 फॉलोअर्स जो है कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको रेगुलर काम करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसी तरीके से कंसिस्टेंसी बरतेंगे, रेगुलर काम करेंगे, तो आपकी वीडियो जो है वायरल जाएगी और आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल चल रहा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और दोस्तों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टाइम पर मिल जाए और आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को अपने वीडियो को वायरल करना सारा कुछ आप अच्छे से सीख लें, ताकि दोस्तों आपके भी इंस्टाग्राम पर जो है मेरी फॉलोअर्स बढ़ जाएं।